दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी विशेष को पूरा नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पाते और अक्सर यही कहते हैं कि काश हमारे पास भी होता अलादीन का चिराग और अपनी विशेष को हम पूरा करते। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि वो अलादीन का चिराग आपके पास मौजूद है, लेकिन ज़रूरत है उसे सही देखने की, सही तरह से समझने की, उसको रास्ता दिखाने की और आप अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे 5x55 लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में, जिसे हम 555 टेक्निक भी कह सकते हैं या फिर 55x5 टेक्निक भी कहा जा सकता है। सो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को अगर आप ही अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 555 टेक्निक के बारे में, जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन एंड एफिमेशन टेक्निक। अब ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई इच्छा करते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सो उस केस में हम कई तरह की इच्छाओं को रखते हैं। लेकिन इस चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, आपकी वो इच्छा है क्या जिसे आप पाना चाहते हैं। इंसान की एक इच्छा नहीं होती है, इंसान की अलग अलग इच्छा होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। लेकिन 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ पर काम करता है कि वो आपके सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। सो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए, आप मार्केट में किस पर्पज़ के लिए गए हो। उसी तरह अगर आप किसी कैफ़े में जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, सो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई मेन्यू दिखाता है तो आपको उसमें से क्या खाना है। सो उसके लिए आपका माइंड जो है वो सेट होना चाहिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुँच सके कि एग्जैक्ट आप पाना क्या चाहते हैं। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि आप अपने खुद के साथ इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर सके कि आपको कौन सी अपनी इच्छा पूरी करनी है। सेकंड, हम बात करते हैं एफर्मेशन के बारे में। सो एफर्मेशन होता है कि जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो, आपको पता है आपकी ये इच्छा है, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो या फिर आप कोई बंगला खरीदना चाहते हो, आपका माइंड सेट है, सो उस चीज़ को एक शॉर्ट सेंटेंस में डिफाइन करो, ताकि आपको वो क्लियर हो सके कि आपको क्या चाहिए। सो उसके लिए एफर्मेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी इच्छा को एक शॉर्ट नोट में लिख दें, एक वन सेंटेंस, एक लाइन में, कुछ वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करें। अब हम बात करते हैं 5x55 के बारे में। सो ये 5 क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में किन चीज़ों से बना होता है, किन बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ऑब्वियसली वो 5 एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से, धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु। ये 5 ऐसे तत्व हैं जिससे हमारा यूनिवर्स बना है। सो ये 5 तत्वों से ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 55 के बारे में। सो 55 का मतलब ये होता है कि जो भी आपने इच्छा रखी हुई है उसको आप 55 बार अपने किसी डायरी में, किसी नोटबुक में लिखोगे। अब हम इसको पॉइंट्स में व्यक्त करते हैं कि आप इस टेक्निक को किस तरह से यूज़ कर सकते हो और अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है यूनिवर्स का। आप कोई भी इच्छा करते हो, कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, तो आप यूनिवर्स से ही मांगते हो। सो उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए सबसे पहले यूनिवर्स का। आपको हमेशा अपनी पॉजिटिव वाइब्स देनी है यूनिवर्स को कि उसके द्वारा जो भी चीज़ें मिली हैं, उसे जो भी इंसान को चीज़ें मिल रही हैं उससे वो खुश हैं। जब आप यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्स दोगे, सो वो भी आपको उसके पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। सो उसके लिए हम 5 स्टेप के बारे में जान लेते हैं कि आपको इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए कौन से 5 मेथड को इस्तेमाल करना है। सो नंबर 1, आपको एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है जिस पर आप अपनी इच्छा को लिखेंगे, राइट?
सो सबसे पहले आपके पास डायरी और एक पेन होना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी आप पेन का यूज़ करें, ब्लैक चीज़ का कभी इस्तेमाल मत करें। जब भी आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हो तो ब्लैक पेन से आप कभी ना लिखें, ग्रीन से लिख लें, रेड से लिख लें, क्योंकि आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो इन्हीं कलर से मिलती है। ब्लैक कलर आपको कभी एनर्जी नहीं देगा। सेकेंड स्टेप है, आपने जो भी इच्छा लिखी है, आप जो भी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हो, उसके लिए आपका माइंड सेट होना चाहिए। आपको एक्चुअली में क्या चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बिल्डिंग चाहिए या आप कोई न्यू बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, सो उसके लिए आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर बिल्डिंग खरीदनी है, कैसी बिल्डिंग खरीदनी है, बड़ी खरीदनी है, छोटी खरीदनी है, कैसे एरिया में खरीदनी है। सो इसके लिए आपका प्रॉपरली माइंड सेट होना चाहिए। नंबर थर्ड, आपने जो इच्छा रखी है उसे आप 55 times 5 days में लिखेंगे, यानी कि एक दिन में आपको 55 times उसे लिखना पड़ेगा और इसे 5 दिनों में इसी तरह से रिपीट करना है। उस चीज़ को, जो भी आपने इच्छा रखी है, उसे एक शॉर्ट नोट में अपनी उस डायरी में नोट करना है 55 times। कभी भी ये मत करना कि 2 मिनट लिखा फिर उठ गए, फिर लिखा फिर उठ गए, सो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं, सो आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप लिखने बैठते हो, सो उस टाइम पे आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग लेना चाहते हो, सो आपको फ्यूचर का उसमें कोई सेंटेंस नहीं डालना है। आपको हमेशा यही बताना है कि वो चीज़ आपके पास है। आपको प्रेजेंट का रिप्रेजेंट करना है, ना कि पास्ट और फ्यूचर का। आपको ये चीज़ यूनिवर्स को बतानी होती है कि हमारे पास वो चीज़ है और हम उस चीज़ से बहुत खुश हैं। सो इस केस में आप कैसे लिखोगे कि मेरे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मैं इस बिल्डिंग से बहुत खुश हूँ? अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ छप जाएगी और वो उस चीज़ पे प्रोसेस करने लग पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपके 5 days कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप एक टाइम पे इस चीज़ को 55 times लिखकर 5 days में कंप्लीट कर लेते हो, सो उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपको इस इच्छा के बारे में नहीं सोचना है। आपको इस इच्छा को वहीं पे रोक देना है। जब आप इस इच्छा के बारे में बार बार सोचोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। सो इसलिए जब आपके 5 दिन कंप्लीट हो जाए तो इस चीज़ को वहीं पर छोड़ दें। किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा समय भी लगता है। कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लेट होती हैं। सो उसके लिए आपको वेट करना होगा, लेकिन आपको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने 5 दिन के बाद ऐसी कुछ चीज़ें होने लग पड़ेंगी। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको आपके इच्छा की तरफ लेकर जाएंगी। सो उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई आपसे उस चीज़ के बारे में बात कर सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई बिल्डिंग लेना चाहते हो तो शायद आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपके साथ इस चीज़ के बारे में बात कर सकता है, आपको कोई क्लू मिल सकता है। सो उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं, सो आपको इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस 555 टेक्निक को अपनाते हो तो ये एब्सोल्युटली काम करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस 555 टेक्निक को अपनाते हो तो ये डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी टेक्निक्स होती हैं वो काम करती हैं, अगर आप कोई मिस्टेक किए बिना इस चीज़ को कंप्लीट करते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस 555 टेक्निक के बारे में, सो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो लेके हम जल्द हाजिर होंगे।